अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी मोहम्मद अबू बकर, आई एम फ्रॉम एच बी एवरी। सो गाइज, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना है। आप सब दोस्त जानते हैं कि बायर सेल परचेज स्टार्ट हो गई है, चिक्स आ रहे हैं, ब्रीडिंग आ रही है, और ब्रीड के साथ साथ एक चीज़ का मस्त ख्याल रखना है जो मैंने आपसे बात शेयर करनी है कि सेल न्यू टू लूज बाउंड्री। इसकी रीज़न ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, बर्ड किसी का होता है और कोई उठाकर सेल कर देता है। तो सबसे पहले क्लोज बैंड और लूज बैंड रिंग का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जो क्लोज बैंड रिंग होता है वो सिर्फ चिक को ही डाल सकते हैं, लेकिन जो एडल्ट बर्ड होगा उसको लूज बैंड रिंग भी डल जाता है। अब मार्केट में स्कैम ये हो रहा है, जो छोटे ब्रीडर नहीं बड़े ब्रीडर भी यही काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ अच्छे भी हैं लेकिन कुछ अपना धंधा उन्होंने पीछे से कह लें कि दो नंबरी वाला काम कर रहे हैं। बर्ड किसी का होता है, ब्रीड कोई शो कर देते हैं जी, फलान कोला गिरानी ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन, ब्लॉक ब्लड लाइन, रिंग काट कर अपने रिंग उसी के रिंग बनवा कर तो वो स्कैम कर रहे हैं। तो मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने क्लोज बैंड रिंग ही बर्ड बाय करना है। जब आपने चिक लेने हैं तो आपको मस्त पता होना चाहिए कि जो मैं चिक ले रहा हूँ वो क्लोज बैंड रिंग है, आपने रिंग को फॉलो लाजमी करना है। सेकंड ये कि जो रिंग डला होगा बर्ड का, वो जिस ब्रीडर से बाय कर रहे हैं उसी का रिंग डला हो, किसी और ब्रीडर का बर्ड ना हो, यानी कि ब्रोकर से किसी से बायर नहीं करना आपने। इस चीज़ का मद्देनज़र रखना है। और उसके बाद आपने पेडिग्री का लाजमी ध्यान रखना है, आपने जिस भी ब्रीडर से बायर करना है, ये डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करते कि ब्रीडर छोटा है या बड़ा, मैटर ये करता है कि जो पेरेंट्स है वो कैसे बर्ड को फिजिकली देखे, बर्ड के जो उसकी पेडिग्री है वो मस्त ख्याल रखें, बर्ड की ब्लड लाइन का लाजमी ख्याल रखें अगर आपने फ्यूचर में कामयाब होने हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट था, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी और मेरी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचा होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैं सीखा हूँ वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ, ताकि कोई भी किसी भी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे हम बहुत बड़े बड़े नुकसान से बच सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने फॉलो करना है, अगर ये पॉइंट्स फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में कामयाब ही हैं। क्योंकि बिजनेस है, कोई भी हो, कोई दुनिया का भी कोई भी बिज़नेस हो, उसका बिज़नेस के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करके ही चलना होता है, देन ही हम आगे चल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे लव बर्ड्स में इंपॉर्टेंट है कि जब भी बर्ड बाय करें क्लोज बैंड रिंग बाय करें, बर्ड का रिंग नंबर, बर्ड का जो जिस ब्रीडर से बाय करें उसी का रिंग डला हो। तो आपको पता है कि कोई भी बड़ा बर्ड सेल नहीं करता, तो अब लाजमी तौर पर जो न्यू फैंसर है वो लेने के लिए बैठे हैं बर्ड, लेकिन उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि बस वो रिंग देखते हैं कि भी डला हुआ है, ये नहीं देखते कि क्लोज बैंड है या लूज बैंड रिंग है। तो इस चीज़ को मस्त फॉलो करें, आई होप सो कि यू कैन इंजॉय। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हैं, और अगर फ़ायदा मेरी वीडियो से पहुँचा तो आगे भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें।